आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर राजनीति दुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर गुरु ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आयो सिंहगढ़, इसको कोंठाना किला भी बोलते हैं, सिंहगढ़ किला भी है, तो चलो फिर देखते हैं किला। सिंह गेला सिंह परिझुंज त्यान देवी वार किती झाले छाती बरी स्वराज्य रक्षण। लाखों का पालनहार उस दिन फूट फूट कर रोया था, कोंढाना को जीत कर ताने आज भगवे में समाया था। ये देखिए, ये पुणे दरवाजा है सिंहगढ़ का, ये पहला दरवाजा, इसको पुणे दरवाजा बोलते हैं। ये वही किला है जहाँ तानाजी की जो फिल्म हुई थी ना, वो इस पर डेडिकेटेड है। ये इंफॉर्मेशन है, आप पॉज करके पढ़ लेना पूरे दरवाजे की। ये इस किले का नक्काशा है, आप पॉज करके पढ़ देख लेना। ये पुणे दरवाजा का दूसरा दरवाजा है। इस किले को तानाजी मालुसरे ने जीता था उदयवान से, जो आपने तानाजी मूवी में देखा है ना, वही है। इसी किले के बारे में हिस्ट्री बताई है उस पिक्चर में। इस तरह तोपखाना है, चलो अभी तोपखाना देखते क्या है वहाँ पर। तो ये देखिए तोपखाना, यहाँ पर तोहफे रखा जाता था, यहाँ पर पुराने जमाने के तोहफे रखे जाए रखते थे। यहाँ पर घोड़ेची पांगा, मतलब घोड़े का अस्तबल है यहाँ पर, मतलब घोड़े वगैरह को रखा जाता था। ये देखिए यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे, हॉर्स, ये घोड़ों का अस्तबल है। यहाँ पर पानी वगैरह देने का उनका सब कुछ है। देखिए गुफा जैसा है, यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे पहले जमाने के, और यहाँ पर पानी पीते थे वो। ये पानी पीने के ऐसे कुएं बनाए छोटे छोटे, इस तरफ भी है। अपने देखे ना घोड़े का अस्तबल, मतलब घोड़े पांगा, ये यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन है, आप पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पर आप आओगे तो धूप से थोड़ा अवॉइड करना, मतलब दोपहर के टाइम मत आना, धूप तो लगती है और थक भी जाते हैं अपन। अब हम जा रहे हैं तानाजी मालुसरे इनकी समाधि के तरफ, उधर उनकी समाधि है। देखिए एक कल्याण दरवाजा इस तरफ है और तानाजी मालुसरे की समाधि इस तरफ है। चलो फिर आपको मैं समाधि दिखाता हूँ, तब तक आप एक काम करो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा देना। ये देखिए यहाँ से एंट्री है उनके समाधि की तरफ जाने की, और अब पुतले वगैरह बने हैं। ये देखिए तानाजी मालुसरे की समाधि है यहाँ पर। सिंह परिझुंज त्यान देवी वार किती झाले छाती। ये देखिए यहाँ पर पुतला है तानाजी मालुसरे जी का, और इस तरफ समाधि। ये देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है सिंहगढ़ के युद्ध के बारे में, आप ये पॉज करके पढ़ लेना, दिख रहा है ना आपको। ये तानाजी मालुसरे के मावड़े है, ये इस तरफ उनका पुतला है ना, उसके सामने एक दे मावड़े है उनके, उनके साथ वाले लोग। इस किले को कोंढाना किला और सिंहगढ़ किला भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर पीने का पानी का है उनका, और ये मारुति मंदिर, मतलब हनुमान जी का मंदिर, और इस तरफ वो पानी का है उनका स्टोरेज का। ये मारुति मंदिर देखिए, और इस तरफ ये पीने के पानी का, यहाँ पर पानी स्टोरेज करते थे वो। देखिए उनके पीने का पानी का, एकदम स्वच्छ पानी है।
इसको बोलते हैं देव टॉक, देव टॉक ऐसे बोलते हैं। ये उनके पीने का पानी का है, पर ये पीने का पानी है, ये अपन अभी भी पी सकते हैं। अभी तो मैंने पिया, बहुत टेस्टी पानी, ठंडा भी है। अभी हम जा रहे हैं कल्याण दरवाजा। ये प्लेस ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। अब इस पर आना, जरूर आना, जरूर एक बार विजिट करना यहाँ पर। चलो तो अभी कल्याण दरवाजा देखते हैं। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a garbage game. ये देखिए कल्याण दरवाजा, इसी दरवाजे से मावड़े आए थे इस किले को जीतने के लिए, तानाजी मालूसरे के साथ। बैक साइड है दरवाजे की, अब फ्रंट साइड पर जाते हैं। ये देखिए, यही है कल्याण दरवाजा, यहाँ से अपने मावड़े आए थे अंदर में। देखिए एक वो दिख रहा है ना आपको रोड, वहाँ से यहाँ से आए थे अपने मावड़े। ये कल्याण दरवाजा, यहाँ से एंट्री किए थे। ये देखिए किले की बॉर्डर, ये देखिए वाटर स्टोरेज करने का उनका, यहाँ पर वाटर स्टोरेज करते थे। ये देखिए यहाँ पर अमृतेश्वर मंदिर है। अभी हम जा रहे हैं कोंडानेश्वर मंदिर। ये देखिए अभी कोंडानेश्वर मंदिर आगे में, ये देखिए यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी है, अब पॉज करके पढ़ लेना। इस तरफ है कोंडानेश्वर मंदिर, अभी तो पूजा चल रही है यहाँ पर। और मंदिर के दर्शन करने के बाद आप इधर जा सकते हो, राजा राम महाराज समाधि। इस तरफ राजा राम महाराज की समाधि है। ये देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है राजा राम महाराज की, आप पॉज करके पढ़ लेना इसको। चलो अभी समाधि देखते आगे। ये देखिए राजा राम महाराज की समाधि, यहाँ पर उनकी समाधि है। ये देखिए लॉक लगाया यहाँ पर अंदर में। ये देखिए यहाँ पर टिड़क निवास स्थान है, मतलब टिड़क जी है ना, वो यहाँ पर रहते थे। ये देखिए तोफ, ये लोकमान्य तिलक जी का ये निवास स्थान, यहाँ पर तोहफे रखे पुराने जमाने की। अबे पुराने जमाने का घर है, खंडहर बन गया अभी। ये देखिए यहाँ पर तोफ रखी है पुराने जमाने की। ये देखिए तोफ पुराने जमाने की। आधे मावड़े कल्याण दरवाजे से आए थे और आधे मावड़े यहाँ से आए थे रस्सी के सहारे से। जो आपको पीछे दिखाया था ना, वहां पर उदय भान और तानाजी की फाइटिंग हुई थी। अभी हम जा रहे रिटर्न नीचे नीचे, वहां पर वो तोफखाना है जो आपने सबसे पहले देखे थे तोफखाना, और ये सुंदर सा नज़ारा। इस सुंदर से नज़ारे के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा,
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा देने का। हाँ तर आज आपण आलो आहोत सिंहगड किल्ल्यावर। सिंहगड किल्ल्याचं खूप पहिलं नाव कोंढाणा होतं, त्यानंतर तानाजी मालुसरे यांनी गडावर गड सर केला व तेव्हा तानाजी मालुसरे यांचा त्यांचा मरण पावले व त्यांना गड आला पण सिंहगडला असं म्हणण्यात आलं। तेव्हापासून या गडाचं नाव सिंहगड असं ठेवण्यात आलेलं आहे। तर आपण आता इकडे पूर्वेला म्हणजे पुण्याच्या साईडला पुणे दरवाजा आहे आणि दुसऱ्या साईडला आहे तो कल्याण दरवाजा आहे। तर असा आहे पुणे सिंहगड किल्ल्याचा इतिहास। ये सर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, इनके चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, किला पूरे देख ले होंगे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाय दोस्तों। I knew.